गाइस, तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। आई होप सब लोग इसको लाइक करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी जगह घुमा के लेके आने वाला हूँ, एक ऐसा मेला दिखाने जा रहा हूँ जिसको कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और एक ऐसे स्थान पे, अगर आप भगवान को पूजते हो, भगवान को मानते हो, तो एक ऐसे स्थान पे आपको लेके जा रहा हूँ जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो शायद उसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो मैं आपको पूरी जानकारी उस मेले में जाके दूंगा, वो मेला कैसा भराता है, कैसे मेले में क्या क्या इंजॉय होता है, और मैं आपको वहीं पर जाके, तो अभी मैं घर से तैयार होकर निकल रहा हूँ, थोड़े बहुत जैकेट वैकेट और पहनना है, तो मैं आपको उसी मेले में जाके उसी जगह का नाम बताऊँगा और उस स्थान का ऐसा नाम बताऊँगा जिसकी कि रियल सच्चाई अगर आप गॉड मानते हो तो आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। तो हाय गाइस, मैं मेला आ चुका हूँ, आज मैं आपको ये मेला घुमाऊँगा। ये बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है जिसका नाम है रजना खेड़ी। यहाँ पर श्री वीर महाराज जी का मेला भरा जाता है, या उनका स्थान है। यहाँ की एक सच्चाई होती है कि जहाँ पर जो भी कोई कुछ मांगता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि किसी ने कुछ मांगा होगा तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई होगी, तो उन्होंने इसी को लेके, ये जो आप देख रहे हो, तो उन्होंने इसी को लेके ये जो घोड़ा है हॉर्स, इसको बनवाया। उनकी कुछ मनोकामनाएं पूरी हो गई थी जो उन्होंने मांगा, तो मैं दर्शन भी कराता हूँ आगे आपको। तो चलते रहना कि ये वीर महाराज इनकी कितनी सच्चाई। यहाँ पे लोग सब कुछ मनोकामनाएं मांगते हैं, यहाँ पे पूरा मेला भी भराता है, सब कुछ मिलता है, यहाँ हर इंसान शॉपिंग भी कर सकता है। तो अगर आप भी आस पीस के कहीं पे हो तो आप भी इस मेले का मज़ा ले सकते हैं, यहाँ इस स्थान पे आप आ सकते हैं। तो चलो दर्शन करते हैं, देखते हैं दर्शन करते क्या होता है। यहाँ पे सब जूते निकालते हैं, तो आप यहाँ से इस स्थान आ सकते हैं। यहाँ पे ये एक ही पेड़ है बड़ का, बरगद का, जो कि पूरे में फैला हुआ है। यहाँ की यही सच्चाई होती है, आप सभी लोग दर्शन ले सकते हैं मज़ा। तो आप भी अगर कुछ मनोकामनाएं मांगना चाहते हैं, आपकी कुछ मनोकामनाएं या जरूरी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो। तो चलिए दर्शन करते हैं। वीर महाराज जी काफ़ी अच्छा स्थान माना जाता है, आप भी आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हो। यहाँ पे नारियल प्रसाद वगैरह होता है, आपको जो भी प्रसाद चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, आप चढ़ा सकते हो। यहाँ पे सभी जो भी आप किसी प्रॉब्लम से गूंज रहे हो या आपको कुछ मनोकामना मांगनी है, ये सारे लोग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आप देख रहे हो। तो यहाँ एक और सच्चाई ये होती है कि जो भी लोग यहाँ पे अगर चोरी करके आते हैं ना, तो उनको एक के दो देने पड़ते हैं। यानी अगर किसी ने कुछ चुरा लिया तो उन्हें ब्याज समेत सब कुछ डबल देना पड़ता है। तो यहाँ पे चोरियाँ बहुत कम होती है। ये स्थान आगे मैं आपको घुमाऊँगा। ये पूरा यहाँ से एक पेड़ निकला है, इसी की जड़ पहुँची है यहाँ पे। आगे एक ही पेड़ से ये सारे बरगद के पेड़, ये तो एक ही पेड़ से सब मिलके बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्थान है। मैं यहाँ पे बचपन से ही आता जा रहा हूँ, सभी लोग आप भी आ सकते हैं। और ये सबसे प्यारी चीज़, ये जो घोड़ा है हॉर्स, किसी की मनोकामना पूरी हुई तो उन्होंने बनवाया, आप भी आ सकते हो। आप रोटियाई में डिस्ट गुना है, मध्य प्रदेश में ये स्थान पास आते हैं, उसी के दिन ये मेला है ना वो भराया जाता है। तो आगे हम चलते हैं। तो आप भी रजना खेड़ी जाकर, चाहे वाला आप मेले में जाएं, चाहे आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं उनके आते हैं देवते। तो आप जो भी आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनसे चाहते हो, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके घर पर कलेश वगैरह, ये कुछ जो भी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है, तो आप वहाँ पर जाके आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। लेकिन आप अगर किसी भी अच्छे स्थान पर जाने की ख्वाहिश है आपकी, आप जाना चाहते हो, तो आप रजना खेड़ी ज़रूर जाएं। एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर एड्रेस पे आ सकते हैं, कभी भी घूम सकते हैं। ये स्थान 24 घंटे खुला रहता है, आप जाकर अवेलेबल होते हैं, तो आप जाइए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया हो। ये मेरा पहला वीडियो है और ये मैंने जो ब्लॉग चैनल बनाया है, इसको सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ब्लॉग आपको आगे देता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन गाइस।